ये देखिए गाइस, अब ऑलमोस्ट पूरा पानी जो है वो सूख चुका है। सो आई एम फ्राइंग द मैरिनेटेड फिश, डीप फ्राइड। कुणाल और प्रीति होते तो मजा आता। तो हम बना रहे हैं टिपिकल नेपाली आलू। इसमें क्या क्या है एडी? टमाटर, इसमें है रेड चिली सूखा वाला जिसको हमने बिल्कुल पीसा है, टमाटर है और लहसुन का पेस्ट है बहुत सारा, और ये इसमें तेल हल्दी भी है। तो इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा चाहिए जो हमारा नेपाली आलू होता है। ऐसे हम तेल में डालते हैं, पहले हमने तेल में काला तेल डाला है, काला जीरा डाला। उसके बाद ये वाला मसाला डाला। जब ये मसाला पक जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। आलू का मसाला पक रहा है, ये देखिए गाइस, अब ऑलमोस्ट पूरा पानी जो है वो सूख चुका है। अब तेल और मसाला अलग अलग हो रहा है, हो चुका है। और इस साइड बन रहा है हमारा चिकन, देसी चिकन जो होता है वो बना रहे हैं। ये सब हम क्यों बना रहे हैं मैं आपको एंड में बताऊंगी, हम क्यों इतनी तैयारियां कर रहे हैं आज। तो ये देखिए हमारा मसाला। की खा कर नानी ले बनाना थोड़ा सा हमने इसमें और ऐड किया पानी। अब मैं फिश मैरिनेट करने वाली हूँ, उसके लिए सबसे पहले हमें डालना है नींबू, मतलब नींबू का रस। ए त्यो रातो ओ हल्दी हाल्नु पर्छ हैन। तो ये मैरिनेट करने के लिए मैं नींबू तो मैंने डाल दिया है, अब मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा, उसके बाद जीरा पाउडर, जीरा पाउडर सिर्फ एक चम्मच। मिर्ची हम ये वाला नहीं डालेंगे। अरे अदुवा लहसुन पनि हैन, ला दो थोड़ा सा। जो मिर्ची है वो हमारा रेड मिर्ची है दूसरा, लेकिन ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, उसका जूस मेन होता है तो वही डाल रहे हैं हम। वो ना आलू पेस्ट जो ना आलू ये रहा। ये नमक भी तो डालना है नमक हम वैसे नमक का दिला चुके मैले। ये हमने जो पेस्ट बना के रखा है ये रहा गाइस, दिस इज द चिली का, सिर्फ चिली का पेस्ट है ये, लेकिन हमने काफी हद तक इसका बीज निकाल दिया, इट्स नॉट गन अफेक्ट मोर आ खातिर पोर्च। तो इतना ही है, बस यही है। अब इसको हम रखेंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटा, मतलब ये गाइस हमने आलू भी डाल दिया है। एक्चुअली जब हम आलू डाल रहे थे तो मैं मैरिनेट कर रही थी उस टाइम फिश, तो हम मैं डालते हुए दिखा नहीं पाई, बट हमने फिर थोड़ा सा और पानी डाल के अब इसको हमने पानी सूखने देना है। आलू हो चुका है रेडी, सो दिस इज़ अ आलू एकदम इतना यम होता है ना, मैं क्या बताऊँगा। इसमें हमने थोड़ा सा मिर्ची कम डाला स्पेशली मेरे लिए, इसलिए थोड़ा सा कलर ऐसा हुआ, बट दिस इज द बेस्ट आलू दैट वी कैन ईट इन द वर्ल्ड। हमारा चिकन भी बन गया है, फ्राइंग द मैरिनेटेड फिश। डीप फ्राई नहीं करना है इसको, सेल्फ फ्राई करना है। मैं कर रही हूँ,
What is it? What? Thank you. थैंक यू फॉर वॉट। सो हमने ज़्यादा तो कुछ भी नहीं बनाया, मटन से थोड़ा पापा का पेट ख़राब होता है तो इसलिए हमने मटन नहीं बनाया, ये देसी चिकन बनाया। वी मेड कचू मसालेड, दाल, दम आलू। ये प्रीति और कुणाल ने केक भेजा है और ये है फ्राइड फिश और बन रहा है फिश। मैं बनाऊँगी पापड़। तो इतना ही है, खाना तो ज़्यादा नहीं बनाया, बट वही है कि हम सब साथ में बैठ के खाने वाले हैं। एंड यस, दिस इज़ फ्रॉम कुणाल एंड प्रीति, जो मेरी सबसे छोटी बहन है दिल्ली में। उन लोगों ने भेजा है मम्मी पापा के लिए, क्योंकि आज है मेरे मॉम और डैड की मैरिज एनिवर्सरी। सो इसलिए हम ऐसे ही किसी को बुलाते नहीं, हम ऐसे ही छोटा सा घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं। मम्मी पापा को हम खाना नहीं बनाने देते आज, तो हम बनाते हैं। ए प्रिंस, और ये रसगुल्ले लाए हैं पापा, और ये है मिष्टी दोई। तो हमारे पास तीन स्वीट डिश है। मैं गाइस इस साइड हूँ क्योंकि मैं जाओ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास वो स्टैंड नहीं है। Happy anniversary, Papa, Mama. Thank you. Wish you happy, so happy, मुझे तो दिखता ही नहीं है कुछ, सोचो मैं तो अंदाज होकर बनाती हूँ। So finally we have served and अब हम आराम से बैठेंगे। मम पापड़ खा लीजिए और चलो इसमें प्लास्टिक मार दीजिए ना, क्यों तुम्हें चाहिए ये रख सकते मम। सो एंड माय बेबी इज बिजी ईटिंग केक एट द बैक। बेसी खान देने ला बाबा, बात पनी खान पर चा। ओके कैसे खाना